नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 75। मैं हूँ आपके साथ सुमन रावत। बात करेंगे गोंडा की, जहां से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी नलों से गंदा पानी निकल रहा है। बता दें कि यहां सरकारी नल से गंदा पानी निकल रहा है, जिसे छात्र पीने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिन स्कूल चलो अभियान के तहत बेसिक शिक्षा मंत्री गोंडा आई थी, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। बात यूपी के पीलीभीत करेंगे, जहां 7 महीने पहले एक युवक के शव को दफन किया गया। अब उस शव को बाहर निकाला गया है पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें कि युवक की हत्या हुई थी, लेकिन इसके बाद युवक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिसके बाद युवक के परिजनों ने डीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की। तो वहीं अब डीएम के आदेश के बाद युवक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। साजिद नाम का एक व्यक्ति था, जो सैनपुर निवासी था। नवंबर 18 में उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो कथा प्रसिद्ध था। उस समय उसका पोस्टमार्टम सबको नहीं कराया गया था, मृत्यु संदिग्ध थी। तो मृतक के परिवारजनों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि सबको पीएम कराया जाए। सूचना के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीएम कराने के निर्देश दिए गए थे। सैनपुर पहुँच करके उस शिक्षा से तो बरसात शुरू हो गई है, लेकिन बरसात शुरू होते ही कई जगहों पर नगर निगम की पोल भी खुल गई है। बात करेंगे पीलीभीत की, तस्वीरें दिखाएंगे पीलीभीत की, जहां चंद घंटों की बरसात ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। जहां सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं बरसात के आते ही सरकार के दावे फेल हो जाते हैं। पीलीभीत के तहसील पूरनपुर देहात क्षेत्र में सड़क का निर्माण ना होने के चलते नाली का पानी सड़क पर भर जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों और राहगीरों का सड़क से निकलना भी दूभर हो जाता है, जिसकी ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से शिकायत भी की। वहीं ग्राम बंजरिया में भी स्वच्छता की पोल खुल गई है। गांव में जगह जगह जल भराव व गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई बच्चे बीमार हो गए हैं। जल भराव व कीचड़ से भरी इन्हीं सड़कों से बच्चों को होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। गांव के मेन मार्ग की स्थिति जर्जर अवस्था में है। वहीं प्राथमिक पाठशाला भी गंदगी से अछूता नहीं है। पाठशाला के मेन गेट से लेकर अंदर तक गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। हमारी कॉलोनी में जो नाली ये खराब पड़ी है, गंदी नाली पड़ी है, तो मतलब अभी तक इसका मतलब काफ़ी कंप्लेंट कर चुके हैं, मतलब और काफ़ी लोग आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बदबू वगैरह आती रहती है, बारिश के कारण पानी वानी भर जाता है। तो काफ़ी लोगों ने मतलब शिकायत भी करी है विधायक से, मगर अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। इसके लिए कार्य हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी को एप्लीकेशन दी मोहल्ला वालों ने, है अब देखो क्या होता है। कहा है कि एप्लीकेशन भेज दी गई है, कब तक होता है, क्या होता है, ये नहीं कहा जा सकता। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। काशी की लहरों से लेकर दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम,
रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से पीलीभीत में बरसात के बाद नगर निगम की पोल खुल गई है। कानपुर की भी तस्वीरें सामने आई हैं, कानपुर की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है, वहां भी बरसात महज शुरू हुई है लेकिन गंदगी का अंबार अभी से लगना शुरू हो गया। जहां कानपुर नगर निगम कानपुर को साफ सफाई के लिए कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में मिले सर्टिफिकेट को लेकर गुणगान कर रही थी, वहीं मॉनसून के दस्तक देते ही नगर निगम की पोल भी खुल गई है। चारों तरफ जल भराव, गंदगी साफ नजर आती है। मॉनसून आने के बाद कानपुर वासियों को जल भराव व गंदगी से जूझना पड़ रहा है, हाल बद से बदतर है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सभासद के पास हम लोग जाते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं और कई सालों से हम इसी तरह से जल भराव और गंदगी से जूझ रहे हैं। बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां आपको बता दें कि 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर गांव का है, जहां तेज बारिश होने की वजह से खेत में पानी भर गया। गांव वालों ने बताया कि 3 बच्चे एक साथ खेत की तरफ टहलने गए थे, तभी उनकी इच्छा नहाने की हुई तो वो खेत में भरे पानी में नहाने लगे और तीनों बच्चों की नहाते समय दर्दनाक मौत हो गई। आनंद फानंद परिवार वाले तीनों बच्चों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेके पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे SDM सदर फिरोजाबाद ने आर्थिक सहायता की बात कही। SDM फिरोजाबाद ने बताया कि जो भी सहायता राशि होगी वो परिवार वालों को दी जाएगी। क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि राजस्व ग्राम भीकनपुर मेघपुर के मजरा मिलिक में 3 बच्चों की नहाते हुए गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो गई। ये बच्चे अपने घर से खेत पर घूमने के लिए गए थे और घूमते घूमते वहाँ जो वर्षा से भरा हुआ पानी था खेत में उसमें नहाने लगे और नहाते नहाते गहरे गड्ढे में चले गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। बात करेंगे सहारनपुर की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां स्विफ्ट कार और मैजिक वैन में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसी के साथ फिलहाल यूपी की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।